राज्य सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होने के कारण नागपुर नगर निगम सहित 140 सरकारी केंद्रों पर शनिवार से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक टीका लगाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। वर्तमान में कोविशील्ड वैक्सीन नागपुर नगर निगम सहित 140 केंद्रों और अन्य सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध है और कोवैक्सीन 3 केंद्रों पर उपलब्ध है। अपर आयुक्त राम जोशी ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का टीकाकरण उन 140 केंद्रों से किया जाएगा जहां कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, बैरिस्टर राजाबाऊ खोबरागड़े हॉल, सिद्धार्थ नगर, आशीनगर जोन के पीछे और स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के नगर पैलेस डायग्नोस्टिक सेंटर में 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक उपलब्ध है। साथ ही जिन लोगों ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है उन्हें दूसरी खुराक सरकारी मेडिकल कॉलेज और स्वर्गीय प्रभाकर दत्त के नगर निगम महल डायग्नोस्टिक सेंटर में भी दी जाएगी। इसके लिए उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प है। केंद्र सरकार के नए निर्देश के मुताबिक जिन नागरिकों ने 12 हफ्ते पहले कोविशील्ड की पहली खुराक ली है उन्हें दूसरी खुराक दी जाएगी। दूसरी खुराक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर को भी दी जाएगी। साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण केंद्र में ड्राइव पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, बीसीएन न्यूज नागपुर।